दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, यानी एक तरीके से पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है और इस साल तो ये माना जा रहा है और लोगों को जो कहना है कि उन्हें सांस लेना भारी हो रहा है, इतनी भयंकर गर्मी है, भारी तादाद में लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं गर्मी से परेशान होकर। और जैसा कि आप समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं, न्यूज चैनलों में देख रहे हैं कि अकेले दिल्ली एनसीआर में ही 1500 से अधिक मौतें गर्मी से आधिकारिक रूप से हो चुकी हैं, लेकिन जानकारों का ये कहना है कि ये संख्या दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में कई हजार है। और जिसके चलते कल कारखानों में श्रमिकों की आवाजाही कम हो गई है, कम लोग काम पर जा रहे हैं, स्कूल तो पहले ही बंद कर दिए गए थे गर्मी के कारण समय से पहले ही। जो मजदूर हैं और फील्ड में काम करते हैं या जो रेड़ी लगाकर अपना बाजारों में सब्जी फ्रूट वगैरह बेचते हैं, सड़कों पे काम करते हैं, भयंकर रूप से परेशान हैं, बीमार हो रहे हैं। दिन में यदि आप बाजारों में निकल जाएं तो सन्नाटा होता है, जैसे कि पहले आमतौर पर 40-42 तक पारा जाता था, लेकिन इस बार तो 50-51 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया है, जो असहनीय है। और इस भयंकर भीषण गर्मी का न केवल उत्तर भारत बल्कि पूरे भारत बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पूरी दुनिया में लोग गर्मी से मर रहे हैं, उद्योग व्यापार पर फर्क पड़ रहा है, फसलों पर मतलब बहुत फर्क पड़ रहा है, यहाँ तक कि फ्रूट और सब्जी दोगुने रेट हो गए हैं, क्योंकि फसलों को भी भीषण गर्मी और धूप ने, लूओं ने जला कर रख दिया है। दोस्तों, ये सब क्यों है? इसलिए है कि जितनी तेजी से वन काटे जा रहे हैं उतनी ही संख्या में पेड़ पौधे या पेड़ लगाए नहीं जा रहे। वनों का प्रतिशत कई इतने एकड़ में इतने होने चाहिए, उसमें डिसबैलेंस हो गया है। कंक्रीट के जंगल महानगरों में आपको दिखाई देंगे और दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलोर, कैलकटा, चेन्नई, इस तरीके के जो महानगर हैं वहां पर पेड़ों को काटकर कंक्रीट के जंगल बिछाए जा रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें तैयार की जा रही हैं। इसी असंतुलन के चलते पर्यावरण डिसबैलेंस हुआ है और हम भीषण गर्मी का शिकार हो रहे हैं और मर रहे हैं। व्यापार प्रभावित हो रहा है, फसल और किसान प्रभावित हो रहे हैं, मजदूर प्रभावित हो रहे हैं, यानी भीषण गर्मी से हर कोई परेशान है। और ऐसा नहीं कि इस साल ही पड़ी है, ये पिछले कई वर्षों से भीषण गर्मी पड़ रही है।
तो दोस्तों पिछले साल 21 जून को हरियाणा सरकार के वन मंत्री, पर्यावरण मंत्री, संभवतः उस समय शायद चौधरी कमरपाल थे, अब बदल गए हैं तो पता नहीं है मुझे, तो ये घोषणा की थी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, अपने घर में जितने सदस्य हैं उतने ही अपने किचन गार्डन में पौधे लगाने चाहिए, जिससे कि पर्यावरण का संतुलन बना रहे, ऑक्सीजन मिले और भीषण गर्मी से राहत मिले। और यही नहीं दोस्तों, उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि हरियाणा में हम पेड़ पौधों की रक्षा के लिए, वनों को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे, बल्कि जो 75 साल से पुराने पेड़ हो चुके हैं उनको बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी। दोस्तों आज तक आपने सुना होगा कि वृद्धावस्था पेंशन या और कई तरीके की पेंशन जो दी जाती हैं, लेकिन कभी भी आपने संभवतः पूरी दुनिया में या भारत के किसी और प्रदेश में ऐसी घोषणा नहीं सुनी होगी सरकार की तरफ से कि बूढ़े पेड़ों के संरक्षण के लिए, उनके रख रखाव के लिए पेड़ों को भी बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी, और वो भी जो 75 साल से पुराने हो चुके हैं। तो दोस्तों वृक्षों को प्राण वायु देवता माना जाता है और ये जीवन का आधार है, इन्हीं से हमें ऑक्सीजन मिलती है जिनसे हम जीवित रहते हैं और जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। यदि वनों का और वृक्षों का कटाव इसी तरीके से रहा तो जितनी गर्मी इस बार पड़ी है उससे भी ज़्यादा आगे पड़ सकती है। तो इस तरीके की भीषण गर्मी के बीच में जिस तरीके से हरियाणा सरकार की तरफ से बूढ़े पेड़ों को जो 75 साल से ज़्यादा उम्र के हो चुके हैं उनके संरक्षण के लिए 2500 से 2750 रुपये तक बुढ़ापा पेंशन देने की घोषणा की गई थी, और इसके लिए उन लोगों को, आप सोचेंगे कि पेड़ों को कैसे दी जाएगी, तो दोस्तों जिसके घर में 75 साल से पुराने पेड़ हैं या चौपाल पर हैं या तालाब के आसपास हैं या किसी भी जगह पर हैं, तो जो जिसके भी वो संरक्षण में हैं, जो भी उनका मालिक है या संरक्षण में है या उसकी जिम्मेदारी लेता है, तो साल में एक बार 2500 से 2750 रुपये तक उनको पेंशन देने की घोषणा की गई थी कि जो भी संरक्षण देंगे, जो भी उनका पालन पोषण करेंगे, साल में एक बार उनके खाते में वो पेंशन चली जाएगी और उस पेंशन से उन पेड़ों को जीवित रखने का काम वो व्यक्ति करेगा जो इनका संरक्षक बनेगा और उसी के खाते में वो पैसे जाएंगे। तो दोस्तों जितनी हमने अभी तक जानकारी हासिल की कि 3300 पेड़ पूरे हरियाणा में ऐसे चयनित किए गए जो 75 साल से ज़्यादा बूढ़े थे, और इनमें भी विशेषकर पीपल के, बड़ के, नीम के, जो हमारे पुराने ऐसे पेड़ हैं जो आयुर्वेद के अनुसार भी जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, तो उस तरीके का चाहे बड़ है, चाहे पीपल है, चाहे नीम है, या इस श्रेणी में जो भी आते हैं, ऐसे पेड़ों को संरक्षण देने, पेंशन देने की घोषणा की गई थी। तो हमने इस मुद्दे पर काफ़ी छानबीन की, बहुत लोगों से बातचीत की, गांवों में भी की, कई सरपंचों से भी की, लेकिन कोई हमें ऐसा आदमी नहीं मिला कि जो ये बता सके कि जो हरियाणा सरकार ने पिछले साल 21 जून को
पेड़ों को बुढ़ापा पेंशन देने की जो घोषणा की थी कि वो लागू हुई हो। फिर हार कर हमने स्थानीय विधायक फरीदाबाद बड़कल क्षेत्र की विधायक और मंत्री सीमा त्रिखाजी से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी है नहीं कि कोई इस तरीके की घोषणा हुई थी या नहीं हुई थी और वो पेड़ों को बुढ़ापा पेंशन शुरू हुई है या नहीं है, मुझे कम से कम नहीं पता है, तो मैं तो पूछकर ही कोई जवाब आपको दे सकती हूँ, मेरी नॉलेज में ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो जब एक मंत्री और विधायक को ही ये नहीं पता है कि जो पिछले साल मंत्रिमंडल में घोषणा की गई थी कि वो लागू हुई है या नहीं हुई है, तो फिर हमने कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की कि शायद उन्हें पता हो। इस कड़ी में हमने फरीदाबाद जिले के ही पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ललित नागर और वरिष्ठ कांग्रेस नेता लखन सिंगला, वो भी जो एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं और प्रदेश कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत करीबी हैं, इन दोनों नेताओं से भी हमने जानना चाहा कि नेताओं को तो सब कुछ पता होता है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, बल्कि विपक्ष के नेताओं को और ज्यादा पता होता है। तो ललित नागर जी और लखन सिंगला जी ने से जो बातचीत हुई, उनका कहना था कि अरे गौतम जी छोड़िए, ये इन्होंने जो वृद्धा पेंशन थी या अन्य तरफ की अन्य जो भी जिस तरीके की पेंशन हरियाणा में लोगों को मिल रही थी, विधवा पेंशन हो, बुढ़ापा पेंशन हो या विकलांगों की पेंशन हो, जितने लोगों को मिल रही थी उसमें से बड़ी तादाद में पेंशन काट दी है, खत्म कर दी है। यानी पेंशन देने की जगह या बढ़ाने की जगह भारी तादाद में ऐसे पेंशनधारियों की पेंशन काट दी गई, खत्म कर दी गई। तो जब वो आदमियों को पेंशन नहीं दे रहे हैं तो बूढ़े पेड़ों को क्या देंगे। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके क्षेत्र में कहीं बूढ़े पेड़ों को पेंशन मिल रही हो, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल कतई नहीं मिल रही। उनकी नॉलेज में वो नेता हैं, सारे हरियाणा का दौरा करते हैं, विधायक भी रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी पेड़ों को बुढ़ापा पेंशन नहीं दी जा रही है। ये उसी तरीके का जुमला है या घोषणा है, ये भाजपा के नेता या सरकार घोषणा वीर हैं। जिस तरीके से 15-15 लाख रुपए लोगों को देने की घोषणा की गई थी या हर साल 2-2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की घोषणा की गई थी या काला धन स्विस बैंकों से वापस लाने की घोषणा की गई थी, ऐसी दर्जनों घोषणाएं हैं। तो जब उन पर अमल नहीं हुआ, आदमियों की पेंशन काट दी गई, प्रधानमंत्री की घोषणाओं पर अमल नहीं हुआ, वो घोषणाएं लागू नहीं हुई, तो जो आदमियों को पेंशन नहीं देते वो पेड़ों को क्या पेंशन देंगे। तो दोस्तों इसमें दो राय नहीं है कि ये घोषणा मानवीय आधार पर थी, बहुत बेहतरीन थी कि बूढ़े पेड़ों का संरक्षण किया जाएगा और भारी तादाद में नए पौधे या वन लगाए जाएंगे, लेकिन इनमें से कोई भी घोषणा
पर अमल होता नहीं दिख रहा, बल्कि जो अरावली पर्वत है, जो हरियाणा से गुजरते हैं, फरीदाबाद गुड़गांव से जो अरावली पर्वत दिल्ली तक पहुंचते हैं, उन पर भी जो जंगल थे, पेड़ थे, वो काट दिए गए हैं। वह उनको काट कर फार्म हाउस बना दिए गए हैं, अवैध इमारतें बना दी गई हैं, और कहा तो ये भी जा रहा है कि मल्टी बिल्डिंग भी बनाई गई हैं अवैध रूप से। तो दोस्तों, यदि हमें जिंदा रहना है और जलवायु के को बैलेंस रखना है, तो हमें पेड़ों को संरक्षण देना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे घरों में, सड़कों में, शहर में, गांवों में, और ज़्यादा से ज़्यादा वनों का प्रतिशत बढ़ाना होगा। वरना अब जब 50-51 तक पारा पहुंच चुका है और हजारों लोग मर रहे हैं, पशु भी मर रहे हैं, सब कुछ बर्बाद हो रहा है भीषण गर्मी और लूओं के चलते, तो यदि इससे ऊपर इसी तरीके से पारा चढ़ता रहा, 55 तक पहुंचता रहा, तो लोग सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ सरकार को, लोगों को, पक्ष और विपक्ष के नेताओं से ये अपील करना चाहता हूँ, ये बहुत गंभीर मामला है। युद्ध स्तर पर वन लगाए जाएं, जो अरावली पर्वत हैं उनको बचाया जाए, उनको संरक्षण दिया जाए। इन अरावली पर्वत में, जंगलों में बड़े बड़े जंगली जानवर रहते थे जो लगभग सब गायब हो गए हैं, और इसी तरीके से वन उजड़ते रहे, तो जैसी इस साल भयंकर गर्मी पड़ी है, आगे भी हमें इससे ज़्यादा बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं, और जीवन मरण का प्रश्न पैदा हो सकता है। तो दोस्तों, हम सरकार से, इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा सरकार से, सीएम साहब से, वन मंत्री से, सत्ता और पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं से ये अपील करना चाहते हैं कि हरियाणा को बचाओ, दिल्ली को बचाओ, पूरे देश को बचाओ, और युद्ध स्तर पर पेड़ और जंगल बढ़ाने का अभियान चलाओ, वरना मनुष्य जाति भीषण संकट में आ जाएगी। तो दोस्तों, सरकार इन पर अमल करे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं। देखते रहें देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।